लाते रहेंगे ताकि आप आपकी तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ एक रफ सीट लेकर बैठ जाएं आप, और फिर आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताते हैं, आप भी बताइए। और जो भी लोग नए जुड़े हैं अभी भी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं अब हम आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, और अगर आप डिटेल में मैनेजमेंट भी पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से हम कॉमर्स में आपको लेखा शास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके या साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि को आर्थिक नहीं माना जाता। देखिए ऐसी कौन सी गतिविधि है जो आर्थिक नहीं है? चिकित्सक का पेशा, लेखा चार्टेड लेखपाल का पेशा, चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं सीए उनका पेशा प्रोफेशन, वकील का पेशा, विद्यार्थी का क्रिकेट खेलना। तो निम्नलिखित में से किस गतिविधि को आर्थिक नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है फोर्थ, विद्यार्थी का क्रिकेट खेलना, ये आर्थिक नहीं माना जाता है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। व्यवसाय का आशय है उद्योग एवं वाणिज्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय, व्यापार तथा वाणिज्य से। तो देखिए जो व्यवसाय का आशय है इसका सही उत्तर है उद्योग एवं वाणिज्य से। बात करते हैं अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए आईएमपी क्वेश्चन है, केवल सेवा, केवल लाभ, सेवा तथा लाभ, सेवा एवं जन कल्याण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, सेवा तथा लाभ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यह आईएमपी क्वेश्चन है, कई एग्जामों में सीधा के सीधा प्रश्न पूछा गया, तो इसे जरूर नोट कर लें आप। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। शिकार करना उदाहरण है, देखिए जो शिकार करना उदाहरण है वो किसका है? निर्माणी उद्योग का है, निष्कर्षण उद्योग का है, जनिक उद्योग का है, या कोई भी उद्योग का नहीं है। तो जो शिकार करना होता है ये किसका उदाहरण है? तो निष्कर्षण उद्योग का उदाहरण है, यह इसका सही उत्तर है। जैसे मछलियों को पकड़ना या शिकार करना ये सभी किस उद्योग में आ जाते हैं? निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। निष्कर्षण उद्योग है वन उद्योग, पशुपालन, आटा मिले, शिकार करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है निष्कर्षण उद्योग का, वो हो जाता है फोर्थ, शिकार करना। बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पेशा किसे कहते हैं? पेशा मतलब प्रोफेशन, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर आईएमपी लगा ले, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। कोई विशिष्ट ज्ञान और परीक्षण प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करके धनोपार्जन करना, मतलब आपके पास कोई नॉलेज है और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं? व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं और उसके माध्यम से आपको क्या अर्निंग हो रही है, उसे पैसा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है किसी व्यक्ति का किसी नियोक्ता के अधीन कार्य करना, वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है फर्स्ट, कोई विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करके धनोपार्जन करना क्या कहलाता है? पैसा कहते हैं उसे, पैसा मतलब प्रोफेशन। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, या आईएमपी क्वेश्चन जरूर लगा लें आप। वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है, देखिए जो वाणिज्य उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? केवल व्यवसाय, व्यवसाय तथा उद्योग, वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय एवं समस्त ऐसी गतिविधियां जो व्यवसाय में सहायक हो। तो देखिए अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें, वहां पर आपसे क्या पूछ रहा था वो इसे देखिए कि व्यवसाय का आशय है तो उद्योग और वाणिज्य से था। अब ये जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए यहाँ केवल एक व्यवसाय था, फिर व्यवसाय तथा उद्योग, वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय एवं समस्त गतिविधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है व्यवसाय तथा उद्योग। मतलब देखिए अगर आप कॉमन बात देखेंगे तो उद्योग आया है, तो आपको इसे याद ही रखना है। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस व्यापार की सहयोगी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? वाणिज्य की, व्यापार की, उद्योग की, इनमें से कोई नहीं। देखिए बोल रहे कि किसकी मतलब सहयोगी जो सेवाएं होती है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है फर्स्ट, वाणिज्य।
बात करते हैं हम, आप नोट करते जाइए और साथ ही साथ आप एक रफ सीट पे जरूर आंसर लगाते जाइए और फिर बाद में बताइए कि आपके कितने सही थे। और साथ ही साथ ये भी मुझे अब बताइए कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं या दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल लिख के भेजें कमेंट में, या ऑब्जेक्टिव में पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लिख के भेजें, या दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बोथ लिख कर भेजें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब समुद्र में मछली पकड़ना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जैसे समुद्र में मछली पकड़ना हो या शिकार करना हो, ये सभी किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं तो ये निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सेकेंड। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है, कथन किसका है? मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न को, मोस्ट टाइम पी लगा लें आप। एफ डब्ल्यू टेलर का किम्बाल एवं किम्बाल का हेने का, विलियम आर बेसेंट का। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है, इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है फोर्थ, विलियम आर बेसेंट का ये कथन है, जरूर नोट कर लें, पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। उत्पादकता को बेहतर तभी बना सकते हैं जब उपलब्ध संसाधन पूर्णता प्रयोग किए जाएं, ये बोल रहे कि अगर जो आपकी प्रोडक्टिविटी से आप और बेहतर बना सकते हैं, कैसे? जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसका आप क्या पूरा की पूरा यूज करें, पूरा 100% यूटिलाइज करें, ये कह रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। व्यवसाय से आशा की जाती है कि वह दुर्लभ संसाधनों का सही उपयोग करें, ये बात भी सही है कि जो भी आपके संसाधन है उनका कितना आप अच्छे से सही ढंग से उपयोग करें। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया होने के कारण इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो ये भी सही है कि बिल्कुल आपका जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही पॉइंट है सही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा ये सभी, तो जरूर आप नोट करते चले। अगर आपको एक साथ नोट नहीं हो रहा तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको स्क्रीन पे आगे करते जाता हूँ, वीडियो को रोककर नोट करते जाएं। पॉइंट फर्स्ट नोट कर लें, पॉइंट सेकंड नोट कर लें, थर्ड नोट कर लें, और इसका जो आंसर है ये है फोर्थ, ये सभी। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवसाय नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का सौदा करता है, बिल्कुल सही है। एक अकेला लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता है, और हर व्यवसाय जोखिम से मुक्त होता है, बिल्कुल गलत है। व्यवसाय में जोखिम होती ही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट। इसका जो आंसर है ये दोनों ही सही है कि व्यवसाय नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का सौदा किया जाता है, ट्रांजेक्शन किया जाता है रोजी वस्तुओं और सेवाओं का, साथ ही साथ एक अकेला लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता है, तो ये बिल्कुल दोनों पॉइंट सही है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं, बोला कौन सा कथन सही है। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है, बिल्कुल सही बात है। व्यवसाय सेवाओं के अंतर्गत यातायात, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं, देखिए जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वे आ जाती हैं, चाहे वो आप यातायात की करें या बैंकिंग की करें, तो ये बिल्कुल सही है। और व्यवसाय की उत्पत्ति, ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है, तीनों ही सही पॉइंट है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है डी, ये सभी। तो ये नोट कर लीजिए आप, अब आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, आप नोट कर सकते हैं और इसका आंसर है ये सभी। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे, रट लीजिए इस प्रश्न को। सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है ये कि एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है न्यूनतम जोखिम अधिकतम लाभ, चलाने में सरल स्वतंत्र निर्णय, कई बार पूछा गया है, और ये एकल व्यवसाय पे क्वेश्चन फिर आएगा आपको, मैं बता दूं, जरूर आप इसे डिटेल में पढ़ के जाएं, और अगर आप हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल लिखें कमेंट में, या आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लिख के भेजें, या दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बोथ लिख कर भेजें। देखिए आप जो कमेंट करते हैं इसके बेसिस पे ही निर्णय होगा, तो इसलिए बिल्कुल कमेंट करें आप।
न्यूनतम जोखिम अधिकतम लाभ चलाने में सरल स्वतंत्र निर्णय, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र निर्णय आप अकेले रहते हैं, सारा लाभ सारी हानि सारी पूंजी सब कुछ आपका ही रहता है, तो और आप अपने हिसाब से निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं एकल व्यवसाय में, तो इसका सही उत्तर हो जाता है फोर्थ। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। सड़क निर्माण का कार्य निम्नलिखित में से किस उद्योग का हिस्सा है? जनिक उद्योग, निर्माणी उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, रचनात्मक उद्योग। तो देखिए निष्कर्षण उद्योग में तो क्या आ जाता है आपका, आपको पता है शिकार करने वाली चीजें आ जाती है, निर्माणी उद्योग मैन्युफैक्चरिंग वाला उद्योग हो जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है फोर्थ रचनात्मक उद्योग। एक आप कोई भी सड़क का या पुल का निर्माण कर रहे हैं तो ये सभी किस में आ जाएंगे? रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। व्यापारी संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, रट ही लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल करके लाए हैं हम आपके लिए, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, जरूर लगा ले। एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी उपक्रम, संयुक्त स्कंद वाली कंपनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है एकाकी व्यापार। तो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, सबसे पुराना स्वरूप है ये। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। एकाकी व्यापार की विशेषता है, पूरा की पूरा पढ़िए, एकाकी व्यापार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकाकी व्यापार और एक हिंदू अविभाजित परिवार, ये दोनों मोस्ट टाइम भी टॉपिक हैं आपके लिए। असीमित पूंजी, सीमित दायित्व, असीमित कार्य क्षेत्र, एकाकी स्वामी। तो देखिए एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता है एकाकी स्वामित्व। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में नहीं है? देखिए बोल रहे कि कौन सी विशेषता साझेदारी की नहीं है, इसका आंसर बताने से पहले अभी भी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़े हैं वो उन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। 18 नवंबर को हम ये बुक विनर का नाम डिक्लेयर करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, ये देखिए संपूर्ण थ्योरी को कवर करती है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। साथ ही साथ जो सामाजिक विज्ञान में IMP टॉपिक है जिन्हें आपको पहले पढ़ना है ये मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो जरूर देख ले। साथ ही साथ इसके अंदर 2800 से भी अधिक प्रश्न दिए हैं और प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, तो आप इसका इस बुक के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की साइट से बाय कर सकते हैं, और आपको अगर कहीं नियरेस्ट मार्केट में मिलती है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और देखिए जो फर्स्ट बुक बाल विकास एवं पेडागोजी की थी, ये तेजपाल सप्रे जी विदिशा से, उन्होंने ये बुक जीत ली, उन्हें यह बुक पोस्ट कर दी जाएगी, तो आप भी जीत सकते हो। और आपको जो स्क्रीन शॉट भेजना है इस नंबर पर भेजना है 8962429353, इस नंबर पे आपको जिन भी ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना है। चलिए अब बात करते हैं हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में नहीं आता है। ऐच्छिक पंजीकरण, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, असीमित उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सेकेंड। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। साझेदारी का अनिवार्य लक्षण है, मतलब साझेदारी की सबसे इंपॉर्टेंट कोई विशेषता है क्या है? लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारों एवं एजेंटों के मत संबंध, लिखित समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो साझेदारी का अनिवार्य लक्षण है या विशेषता है वह क्या है? साझेदारों एवं एजेंटों के मध्य संबंध होता है। ये मोस्ट टाइम भी है कि जो भी मतलब एजेंट होता है वो जो मालिक होता है उसके बिहाफ पर काम करता है, तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। संयुक्त हिंदू व्यवसाय के लिए अनिवार्य है पंजीयन कराना, पंजीयन ना कराना, समझौता कराना, पंजीयन व समझौता कराना अनिवार्य नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने पहले आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिख के भेजिए मुझे, अगर आप ऑब्जेक्टिव केवल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लिख के भेजिए, अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आप बुक विनर बन सकते हैं, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। अब बात करते हैं इस प्रश्न पे, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है फोर्थ, पंजीयन और समझौता कराना अनिवार्य नहीं है।
तो आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।